पर सरकारी राशन की कम तोल को लेकर स्थानीय लोगों ने दुकान का घेराव कर दिया है। नारेबाजी कर रहे लोग दुकान संचालक को हटाने की मांग कर रहे थे। बता दें कि इससे पहले भी जब खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत दौरे पर आए तब उनसे भी ऐसी धांधली की शिकायत की गई थी, लेकिन हेराफेरी करने वालों पर कोई असर नहीं हुआ। जब भी दुकान संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं और उन्हें किसी का भी डर नहीं है। अब देखना यह होगा कि लोगों के आक्रोश के बाद किस प्रकार की कार्रवाई होती है। अब मेरी माँ अकेले रहती है, उनको 35 किलो मिला था, लेकिन उसको दी है 35 किलो, 50 किलो होना चाहिए चावल। शिकायत कहेगी आप लोग? हम लोग को ऐसा लेडीज और ऐसा सोसाइटी वाली नहीं चाहिए, हम लोग को दूसरा चाहिए। कौन सा सोसाइटी है, नंबर बताइए। ये 39 वाला है। 50 किलो उसको 40 किलो दिया जा रहा था, और बाकी लोग 95 से मिले। क्या क्या क्यों कम दिया जा रहा है? कम दिया जा रहा है, अभी 10 तारीख के बाद सबको ज्यादा दे रहे हैं। क्यों अभी पता नहीं, सोसाइटी वाले बताएंगे सभी को। तो मेरे द्वारा सुबह उनको लेकर के आया गया तो वाकई में देखा गया कि लगभग 100 राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनको प्रत्येक आदमी को किसी को 20 किलो कम है, किसी को 10 किलो कम है, किसी को 50-50 किलो तक कम है। तो इसकी शिकायत मुझे मेरे द्वारा उच्च अधिकारी को दी गई, जिसमें कलेक्टर महोदय से भी बात हुई, माननीय मंत्री महोदय से भी बात हुई, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इनके खिलाफ कट मिलेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता राम कुमार यादव जुड़ गए हैं। राम, पहले तो कालाबाजारी को लेकर कई जिम्मेदारों ने इसको लेकर बयानबाजी की थी कि कालाबाजारी नहीं होगी, अब ये जो मामला सामने आया है उसमें उन जिम्मेदारों को ही अवगत कराया जा रहा है, बावजूद इसके समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है। बता दूं मैं कि जो अंबिकापुर का नवागढ़ जो है, जहां 39 नंबर और जो 40 नंबर वार्ड का जो राशन का दुकान है, अभी हाल फिलहाल में ही जो 2-4 दिन पहले खाद्य मंत्री जो है कई जो दुकानों का दौरा किए थे और औचक निरीक्षण किए थे और जो 7 दुकानों को अल्टीमेटम भी जारी किए थे, बावजूद इसके भी जो कुछ दुकान संचालक हैं वो कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जब इस बात की जानकारी वार्ड पार्षद जो हैं बाबर, जो उनकी पत्नी वहाँ की पार्षद महोदया, उनके जो पति हैं, राजकुमार, जो रेट की लिस्ट लगाई जाती है दुकानों पर, वो लिस्ट नहीं लगाई गई है कि यहाँ पर लिस्ट लगाई गई है, पूरी जो है एहतियात भी बरती गई है सुरक्षा के, और जो पूरा तक लिखा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो है वो जो संचालक जो है वो जो धांधली किए पड़े हैं, इस बात जो कुछ ग्रामीण हैं, इस कारण जो है कि ये बड़ी जो है बड़ा रूप पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कई दिनों से ऐसा चल रहा था, जब इस बात की जानकारी लोगों ने इसको देखते हुए वार्ड पार्षद को दी, तब ये मामला आगे बढ़ा है। जी, वहाँ के रहवासियों ने कई जिम्मेदारों से भी बात की है इसको लेकर, क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? नहीं, अभी तक किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, बस शिकायत की गई है और जो है कि इस बारे में जो है कदम उठाया जा रहा है, पहल की जा रही है वार्ड पार्षद के द्वारा, जो मंत्री जी को भी अवगत कराया गया है ऐसा उनका कहना है, कलेक्टर महोदय को भी कहा गया है। ये कल की ही घटना है, अभी तक इसमें जो है कोई बड़ी जो है कार्रवाई नहीं की जा सकती। जी रामकुमार, आपके दुकान संचालक से क्या बात हुई थी इसको लेकर, या किसी तरह की भी कोई प्रतिक्रिया दुकान संचालक की तरफ से सामने आई हो? चलिए रामकुमार, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक्सप्रेस स्टेशन में आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए स्वराज।